हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आपके साथ यहां पे लेके आई हूं पॉलीनोमियल्स का क्लास 9th का कंप्लीट सॉल्यूशन। जहां पे आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है आरएस अग्रवाल की बुक का। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं मैं एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजिली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड होता है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। एंड यस, ये रही चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसे आप चाहो तो देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट 3x प्लस 2। तो समझिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है पी एक्स और जी एक्स, और इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करते हुए करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से, यूजिंग में लिखा है। ठीक है, आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और आपको रिमाइंडर बताना है जब आपका पी ऑफ एक्स को डिवाइड करके कहाँ पे जी ऑफ एक्स से। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए जो आपको दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट 6x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए जी ऑफ एक्स भी आपको साथ साथ दिया हुआ है, दैट इज वॉट 3x प्लस 2। अब आप देख सकते हैं जब हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे कि वेन हमें आप बताएंगे कि अगर आपका जी ऑफ एक्स जब 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे से डिविजन परफॉर्म करना है, तो हमें देखिए 3x प्लस 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 एंड 3x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2, फिर x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2/3। अब समझिएगा, ये जो मुझे यहाँ पे इसकी x की वैल्यू मिली है इसी का तो मुझे यहाँ पे मेन यूज है, क्योंकि जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें इसके यहाँ पे एग्जैक्टली यूज लगने वाला है। अब समझिएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साफ साफ, यस हम साफ साफ लिख सकते हैं कि बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, वी विल राइट बाई रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम आपसे कहता क्या है कि वेन जब आपका पी एक्स डिवाइड करा जाएगा, वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, देन जो आपका रिमाइंडर ऑप्टेन होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आपको मिलेगा इज इक्वल टू वॉट, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ -2/3। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जी एक्स से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो जो जी एक्स के थ्रू हमें एक्स ऑप्टेंड हुआ है उसी को अगर हम पी ऑफ एक्स में रख देंगे तो हमें यहाँ पे क्लियरली रिमाइंडर मिल जाएगा। बस मैंने यहाँ पे इतना ही आपको यहाँ पे क्लियरली समझाया है। अब इसके थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है कि वी पुट, हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -2/3 इन पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट, अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली आपका रिमाइंडर मिल सकता है जब हम ये काम करेंगे। तो देखिए जहाँ आपका पी ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ वहाँ रख दीजिए। क्या देखिए 6x³ लिखा हुआ है, तो लिखते हैं 6x³ दैट इज -2/3 का होल क्यूब, फिर आपका लिखा है +12x², ठीक है, सॉरी +13x², देन +3, तो लिख देंगे +13x² फिर +3। देखिए मैंने वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हमें करना क्या, हमें यहाँ पे अब खाली यहाँ पे सॉल्यूशन करना है इसका। तो ये समझते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 6 एज इट इज। अब देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए नेगेटिव में आएगा क्योंकि पावर ऑफ की ऑड है, तो मुझे मिल जाएगा माइनस में 2 का क्यूब दैट इज 8/27। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखूंगी +13 और ये मुझे देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, इवन पावर है और नेगेटिव साइन, फिर भी मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे 4/9 एंड देन +3। अब समझिएगा यहाँ आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 6 मल्टीप्लाई आप चाहो तो नेगेटिव बाहर कर लो 8/27, और यहाँ आपको मिल रहा है +13 मल्टीप्लीकेशन 4/9 और +3। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसे यहाँ पे कट कर दूँ, देखिए 3 से आपका जा रहा है, तो देखिए 3 2 6 3 9 27, तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, ऊपर मुझे मिल गया -16/9, यहाँ मुझे मिल गया 13 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा 52/9 और यहाँ मुझे मिल गया +3। ठीक है, अब समझिएगा अगर मैं यहाँ पे पूरा एलसीएम दे दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, -16 +52 और प्लस देखिए 3 9 यहाँ पे जाएगा एलसीएम, देखिए 27, और हम नीचे क्या लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे आराम से, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम का प्रोसीजर करा है। अब हम यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यस यहाँ मुझे मिल जाएगा 6 और देखिए पॉजिटिव में मुझे वैल्यू जो मिल रही है मिलेगी, और यहाँ पे आप जो कैरी कर दो यहाँ पे 4 लेफ्ट होगा तो हमें मिल जाएगा +36 +27/9
दैट मीन्स हमें मिल जाएगा 6 7 13 3 2 5 के 6, तो हमें यहाँ रिमाइंडर कितने मिल जाएगा, 9 7 63, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो हमें क्या समझ में आया कि जो आपको रिमाइंडर ऑब्टेंड हुआ है वो कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब देखिए, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो रिमाइंडर ऑब्टेंड, ओके, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज वॉट इज 7, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, यही हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा, जिसमें हमने क्या देखा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हमने इसमें क्या निकाला, रिमाइंडर निकाल लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रोसेस के थ्रू करें, अगर आप डिविजन लेटर लगाएंगे तब भी आप देख सकते हैं आपका सिमिलर आंसर आएगा, बट जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका काफी इजिएस्ट मेथड है रिमाइंडर निकालने के लिए। ओके, तो होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन ना देखे हों, दैट इज एक्सरसाइज 2A 2B एंड 2C, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू हो रही है, और साथ साथ हम चैप्टर 1 के भी वहाँ पे आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2C का ही क्वेश्चन नंबर 10। ओके ओके फ्रेंड्स, होप्स आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड यस, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ओके, एंड यस, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, एंड यस, आपको जो मैंने आपको कंटेंट आपको भी आपको समझाया है, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक क्वेश्चंस का आपको हर एक वीडियो के नीचे लिंक मिल जाता है, बहुत इजीली वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी है, मैं अब हर एक एक्सरसाइज का भी आपको सिंगल सा पे PDF दे रही हूँ, जिसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली मर्ज हैं। ओके, एंड यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एंड इंस्टा पे, लिंक आपको इन सबका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अपडेट कर देती हूँ, जो भी आपको लेटेस्ट यहाँ पर मिलता रहता है, और आपको PDF भी वहाँ पे मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बहुत इजली। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।